आपका अपना इनामुल हक साहिल। नाज़रीन इकराम, हमारा ये प्रोग्राम जिसमें हम दो लेजेंड्स जनाब अनवर मकसूद साहब और मोइन अख्तर साहब को खराज तहसीन पेश करने वाले हैं, ये प्रोग्राम आप मंथली बेसिस पर गोल अचीवर्स यूट्यूब चैनल पर इंशाल्लाह देखेंगे। नाज़रीन इकराम, आज जैसा कि हम एक ऐसे दौर से गुज़र रहे हैं जहां हर तरफ अफरा तफरी है और कोरोना ने अपने वार करके पूरी इंसानियत को एक किस्म के इस शिकंजे में फंसा दिया है कि जिससे निकलना बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है, लेकिन इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज़ मौजूद से वो घबराया नहीं करते। तो हुकूमत वक्त और तमाम दुनिया जो कि ज़ोर इस बात पे दे रहे हैं कि किस तरह से कोरोना जैसी मूजी मर्ज से हम छुटकारा हासिल कर सकते हैं, तो आज हम एक आम इंसान से मिलने की कोशिश करेंगे, आम आदमी से मिलने की कोशिश करेंगे जिस पे हुकूमत वक्त और पूरी दुनिया और ये जो मूजी मर्ज है इसका शायद कोई असर नहीं हो रहा, और हुकूमत वक्त के ऐलानात के बावजूद एक आम तरीके से जैसे पहले ज़िंदगी गुजारी जा रही थी आज भी वो वैसे ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक आम शहरी से। कैसे हैं सर? कैसे हैं आप? यार बड़े बगैरत हो यार तुम। क्या मतलब है आपका? बड़े बदतमीज हो यार तुम। नहीं, ये बदतमीजी आप कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। मेरा मतलब है, मैं आया हूँ यहाँ पे यार, तुम सलाम करो, कैसे हो तुम? सलाम करते हैं पहले, तुम मुसलमान नहीं हो? पहले आप इसको मुंह पे करें ना, आप की थूके मेरे मुंह पे आ रहे। क्या मतलब मुंह पे करें? ये तो सिर्फ दिखाने के लिए लगाया है, वो अंदर नहीं जाने देते अपना, दुकान में कोई चीज लेने जाते तो कहते मास्क लगा के, तो इसलिए रखा है। वैसे तो मैं तो नहीं पहनता कोई कोरोना शुरोना। वैसे यार एक बात कहूँ तुझे, कोरोना की मैंने शक्लें देखी है, ये मुझे तेरे मुंह जैसी शक्ल लगती है कोरोना की। नहीं, कोरोना की शक्ल देखने के बावजूद आप उससे डर नहीं रहे? देखे मेरे पास तो बैठे हैं, मैं क्यों डरूं? क्या मतलब है आपका? आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं आप यार। भाई चलगोजे। यार भाई क्या होता है चलगोजे? चलगोजे क्या मतलब है? चलगोजे तो मैं चलगोजा कहूंगा ना, अब काजू तो कहने से रात देख नहीं रहे, छिला हुआ चलगोजा, और क्या कहूँ तुझे मैं, कमाल करते हो यार आप। इतनी हलाकतें हो रही हैं इंडिया के, आपने हालात देख ले हैं। और मीडिया झूठ देख ले हैं आप। मीडिया झूठ बोलता है, मीडिया झूठ बोल रहा है। आपके खानदान में किसी को नहीं हुआ? अल्लाह, मेरे खानदान में अल्लाह का शुक्र है, कहते तो है हुआ है लेकिन मुझे यकीन नहीं है। नहीं, अच्छा कहते हैं खानदान वाले फिर भी यकीन नहीं है, क्या वजह? यार मेरी बात सुन यार, कोरोना किधर है? मुझे तो नजर नहीं आता कोरोना। नहीं, कोरोना अभी तो आप कह रहे थे पास बैठा है तो अभी नजर नहीं आ रहा। तो तुम ही हो ना, तो तुमसे क्या डरना? नहीं, आप इस मूजी मर्ज से डर नहीं रहे? नहीं। आपने इंडिया का हालात देखी? देखे हैं मैंने हालात। आप हाथ वगैरह धोते हैं? कितनी बार धोते हैं? धोता हूँ हाथ के लिए। धोते हैं? मैं धोता हूँ। नहीं, आप किसको धोते हैं? हाथ को। अच्छा, कितने सेकंड्स के लिए? यार ये मेरा मसला है, तेरा मसला तो नहीं है ना भाई। मैं नहीं, जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने आपको कहा हुआ है कि 20 सेकंड्स तक आपने धोना है और साबुन के साथ धोते जाओ धोते जाओ। अरे साबुन खत्म हो जाए? नहीं, साबुन क्यों खत्म? एक दो ऊपर से लॉकडाउन लगा रहे हैं, कारोबार नहीं चल रहा, ऊपर से घर में साबुन खत्म हो जाए, धोते रहो धोते रहो धोते रहो। अब साबुन सिर्फ हाथ धोने के लिए तो नहीं होता? नहीं, और किसके लिए होता है? अरे नहाने के लिए होता है। और आप नहाते भी हैं? जी जी, मैं नहाता भी हूँ। कब? जब दिल करता है। अच्छा, मुंह भी धो लिया करें? ये आप कह रहे हैं मुझे? जी। अच्छा 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 अच्छा, मेरी बात सुनिए ना। जी जी। आप कोरोना जैसे इस मास्क को, यार प्लीज तुम सवाल करो अपना भाई, अगला सवाल करो तुम। अच्छा, कोरोना के बारे में आपने जितनी भी एहतियाती तदाबीर थी उनमें से एक भी नहीं अपनाई हुई? ये देखे, और भाई मुंह पे हाथ नहीं मारना, क्या कर रहे हैं यार आप? नाक पे हाथ लगा के फिर लब्बों पे फिर क्या क्या? आप यार मेरी बात सुनो, तू इधर नसीहतें करने बैठा है या इंटरव्यू करने बैठा है? नहीं, इंटरव्यू तो मैं आपका कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि कितने नालायक और नाअहल किस्म के हम तो हुक्मरान कहते थे, लोग ऐसे हैं जिनके पे असर ही नहीं हो रहा यार। क्या मतलब असर नहीं हो रहा? नहीं, आप अभी देखो यार, मैं कल जो है वो अस्पताल गया तो वहाँ पे
जो है वो अपना दो मरीज गायब हो गए कहीं। अच्छा, डॉक्टर इधर उधर दौड़ते फिर रहे हैं, दौड़ते फिर रहे हैं, अबे कोरोना के मरीज गायब हो गए, कोरोना के मरीज गायब हो गए। मैं खड़ा देख रहा यार, और थोड़ी देर बाद दो बंदों को पकड़ के एक डॉक्टर ले जा रहे, कहते जी ये बाहर वापस आ गए थे, मैं ले आया। उनसे पूछा भाई किधर गए थे, वो कहते हैं जुम्मा था, बाजमात नमाज अदा करने गए थे पास वाली मस्जिद में। ऐ तेरे की, मैं क्या ऐ ठीक कहता है, अब इस पे खुश हो रहे हैं। नमाज नहीं, नमाज तो जरूरी है, लेकिन वो कोरोना वाले चले, पता नहीं उसके बाद कितने इन्फेक्टेड हुए होंगे और नहीं और कितने इन्फेक्टेड हुए हैं। यार ये सिर्फ बातें हैं, तुम्हें कितनी दफा बताया है कोई कोरोना, मेरा मतलब कोरोना नहीं है। अच्छा ठीक है, ये सब झूठ है, ठीक है, ये पाकिस्तान को नाकाम करने की कोशिश है, ये अगली नस्ल को बंद करने की कोशिश हो रही है। कहां पे? ठीक है, ये इस किस्म की बातें तुम्हें नहीं पता यार, तुम अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे हो। मैंने ये भी सुना था कि पिछले दिनों आपकी दादी फौत हुई है कोरोना की वजह से, आपको अभी तक यकीन नहीं हो रहा। किसने कहा कोरोना की वजह से हुई है? डॉक्टर ही कह रहे थे, मैंने तो नहीं कहा। हेलो, रोजे हैं यार, ये सिगरेट नोशी अफ्तारी तो हो चुकी है। नहीं, सिगरेट नोशी नहीं क्या करें ना यार, क्या हो गया, सिगरेट नोशी क्यों करते हैं आप, छोड़ दें इसको प्लीज। ये देखें सेहत खराब होती है, प्लीज मेरी भाई यार, मेरी सेहत खराब होती है। बात छोड़ भाई, सिगरेट हम छोड़ दें, लेकिन नोशी जो है ना, नोशी इसको हम नहीं छोड़ सकते। वो कौन है? सिगरेट नोशी, नोशी सिगरेट नोशी नहीं, नोशी वो कौन है? थी। अच्छा, आप नोशी भी आपने रखी है, उसको भी कोरोना से मरवाया है? नोशी थी, कोरोना से मरी है। मर तो हम गए भाई, वो कहाँ मरी? क्या मतलब है? वो तो जिंदा है। कहाँ पे होगी? किसी मोहल्ले में, मोहल्ले में थी, अपने मोहल्ले में थी बस। आपकी हरकतें देख के वो यहाँ से चली गई। तुम्हें क्या पता भाई, हमारी हरकतें, हमारी हरकतों का तुम्हें क्या पता है? ये हरकतें ही है ना, ये कौन सी सिगरेट? आप यानी कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो चीजें भी कह रही हैं, आप उनमें से किसी पे अमल नहीं कर रही यार। मेरे सिगरेट पीने से तुम्हें क्या मसला है? मेरी सेहत खराब होती है मेरी यार। तो पहले कौन सी ठीक है तेरी सेहत? प्लीज खुदा का वास्ता यार, कोरोना में ये जब आप खांसी आए तो आप इस तरह कर लिया करें, ये जरूरी है। चलो अब मैं इस तरह करूंगा, चल आगे बोल। मुंह उधर आगे बोल। अब मुंह उधर क्या करूंगा, कैमरे के सामने रखना तूने बोला। मुझे ये बताइए कि आप जैसे लोगों की वजह से कोरोना फैल रहा है, क्यों नहीं आपको एहसास होता? क्यों आप देखें, आप लोगों की वजह से कोरोना फैलता है तो तालीमी इदारे बंद हो जाते हैं, बच्चों का मुस्तकबिल ज़ाया हो रहा है, मुस्तकबिल जो है वो फना हो रहा है, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल यूथ है। बच्चे दुआएं देते हैं, वो आप जैसे लोगों की हरकतें देख के दुआएं देते हैं भाई। दुआएं देते हैं, आपको भी दुआ बंद होते हैं, कॉलेज बंद होते हैं, ये तो अलमिया है, कॉलेज बंद होते हैं, ये तो अलमिया है ना, याशी प्रोग्राम होता है, तुम्हें क्या पता है यार, तुम शो करने आके बैठ जाते हो, तुम्हें तो पता ही नहीं किसी चीज का, छोड़ो यार। नहीं, दुआएं देते हैं। अच्छा, वो फर्जी जो और वक्ती दुआएं हैं, आपको क्या लगता है कि इससे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, उनका मुस्तकबिल बन रहा है? तुम्हें क्या पता नहीं बन रहा, मुझे तो पता है। मुस्तकबिल तो आने दे पहले। नहीं, मुस्तकबिल है ना, और जितना ये फजूल कामों में अब तो देखें, आपको असर नहीं हो रहा, आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, और आपकी कब्र में आपकी, अरे बुजुर्ग क्या मतलब, तेरा 80-90 साल के होना यार, क्या 80-90 साल के, और क्या भाई, आपको मैं 20 साल का लड़का दूं? जैसे मैं कोई अपना छोड़ नहीं, वही है ना। अच्छा चुप, कॉल आ रही है मेरी। नहीं, क्या मतलब है? हेलो हेलो भाई, बात सुने? हेलो हेलो, ओ कौन भाई, आवाज नहीं आ रही तेरी मुझे, हैं? अफसोस। अच्छा, अल्लाह हाफिज। ये कौन था? आपको क्या भाई? नहीं, आपको एटिकेट्स नहीं है प्रोग्राम में बैठने के, बल्कि आपको क्या एटिकेट्स होंगे? आप सिगरेट पत्नी, सिगरेट नोशी की बात हुई तो आप नोशी की तरफ चल पड़ते हैं, कोरोना की बात होती है तो आप पत्नी नहाने और धोने पर कहाँ चल पड़ते हैं, मुस्तकबिल बच्चों की बात होती है तो आप कहते हैं कुछ है ही नहीं। यार आपको एहसास क्यों नहीं होता यार? किस किस्म का एहसास हो? है, अब मेरी एक दुकान भी है। अच्छा,
मैं उसका शटर नीचे करके साथ कुर्सी डाल के दबक के बैठ जाता हूँ और अपना बिजनेस चलाए हुए। हाँ, बिजनेस ना चले तो किधर जाए भाई, हम मर जाए कोरोना से तो नहीं, भूख से मर जाएंगे हम। यानी कि आप उन लोगों में से भी हैं जो फर्ज शनासी भूल चुके हैं। हुकूमत अगर आपको कह रही है खुदा रहा है हमारी सपोर्ट करे, हमारे हाथ के साथ हाथ मिलाए, हमारे कंधे के साथ कंधा मिला के चले ताकि इस मौजी मर्ज से छुटकारा हासिल किया जा सके, और आप फिर यार मुंह पे हाथ लगा खुदा की कसम मैं मारूंगा यार। यार तुमने मारे के लिए बुलाया यार, इंटरव्यू लेने का नहीं, इंटरव्यू तो ये देखो यार, बात सुनो जी, बच्चे हैं तुम्हारे? ये सारे बच्चे हुए तेरे नहीं बच्चे हुए यार, मैं चिल्ड्रन की बात कर रहा हूँ। चिल्ड्रन बच्चे हैं माशाल्लाह, सारे बच्चे मेरे बच्चे, सारे पाकिस्तान के बच्चे मेरे बच्चे। अच्छा, तो उनको आप चाहते हैं कि उनकी सेहत ख़राब या वो किसी मूजी मर्ज में जाएं? अच्छा, या वो किसी मूजी मर्ज में जाएं? तो फिर आप इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें, और कोरोना का जो है जो SOPs आपको बताए गए भाई, ये थोड़ा सा रह गया उसके बाद छोड़ देता हूँ कोरोना के SOPs। यार आपकी दादी मर गई कोरोना से, आपके इर्द गिर्द में आपके ख़ानदान में और मौतें हो रही हैं, मैयतें उठाई जा रही हैं, आपको ज़रा भी एहसास नहीं हो रहा? तुझे उठानी पड़ रही हैं। और भाई मुझे ना भी उठानी पड़ रही है, मुझे उठानी पड़ रही, तू छोड़ दे, तुझे तो नहीं उठानी पड़ रही। नाज़रीन कराम, ऐसी कौम का और ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं हो सकता। अपने इर्द गिर्द का बहुत ख्याल रखिए, हुकूमत वक्त के बताए हुए SOPs के हिसाब से चलिए, अपने हाथों को धोते रहिए, अपने आप को साफ़ सुथरा रखिए, 6 फीट का कम अज़ कम फासला रखिए। और मैंने जहाँ पर 6 फीट का फासला रखा था, ये नज़दीक से नज़दीकता आते गए और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। मेरा आपसे सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम मिलकर हुकूमत वक्त का साथ देंगे और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के बताए हुए SOPs के मुताबिक चलेंगे तो ना सिर्फ इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर लेंगे बल्कि हमारी आने वाली जनरेशन्स, आने वाला मुस्तकबिल भी रोशन होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, और इन जैसे लोगों से ज़रूर बचिएगा क्योंकि ना तो इनको अपना ख्याल है ना ही आपका कभी ख्याल रखेंगे। पाकिस्तान जिंदा।